भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिएगा 5:20 पर मृदुली एग्जाम खत्म हुआ है, तमाम सारे सवाल हैं नीट के, इन तमाम सारे सवालों के बीच आज 1563 बच्चों का एग्जाम होना, इस एग्जाम के बीच तमाम अभिभावक जो अभी भी इस असमंजस की स्थिति में हैं। दीपेश के साथ कुछ बच्चे भी हैं, ऑन एयर कर दीजिए दीपेश को। क्या नाम है दोस्त आपका? उदित। उदित ये बताइए कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया था। पिछला वाला ज्यादा अच्छा था या आज का ज्यादा अच्छा? आज का ज्यादा अच्छा था। पिछले बारे में तो टाइम भी कम पड़ गया था। टाइम भी कम पड़ गया था और इस बार थोड़ा इजी भी था पिछले बारे से। पिछले बारे में जो गड़बड़ी हुई थी वो इस बार तो नहीं थी ना? इस बार फेयर था। फेयर था, लग रहा था कि हाँ ठीक जा रहा है। हाँ ठीक। अच्छा एक चीज ये बताइए कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए था, ये आप थे इसके लिए एग्री? हाँ होना तो चाहिए था, क्योंकि मतलब पहले बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी। पिछली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो लगभग आपने कट ऑफ निकाला होगा, कितना आ जा रहा था आपका? मेरा कट ऑफ मतलब निकाला होगा ना कि कितने मार्क्स आ सकते हैं? वो तो आंसर की चेक करी थी तो वो तो मेरे 450 के आसपास थे। अच्छा, और इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो मतलब मेरी तैयारी थोड़ी वो वीक हो गई थी, टाइम मिला। हाँ इसलिए तो थोड़े कम आएंगे मार्क्स शायद पिछले। अच्छा ये था कि हाँ एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा? मतलब मैं तो फेवर में नहीं था, नहीं था ना? हाँ। मैं यही क्योंकि साल भर आपने मेहनत की थी। हाँ। उस मेहनत के बदले अब ये 10 दिन में एकदम से फिर तैयारी करना, मतलब जो पोटेंशियल जब था जब तैयारी का, और अब 10 दिन में जब हम पीछे छूट गए थे तो फिर वो पोटेंशियल था नहीं मेरे पास। यही चाह रहे मतलब अधिकतर बच्चे यही कह रहे हैं कि हमारी जो तैयारी थी हमने मेहनत की थी साल भर, लेकिन हमारी मेहनत पर पानी फिर गया, अब हमें दोबारा एग्जाम देना। हाँ तो कुछ और हैं उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सर। कैसा रहा बिटिया का एग्जाम? बिटिया का बहुत शानदार रहा सर, पिछली बार से जी। तो देखिए हमारे सहयोगी अभिभावकों से छात्रों से बात कर रहे हैं, आपने खुद छात्रों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और देखिए आप किस तरह से छात्र